की लिस्ट मैजिकल फैंटेसी दुनिया पे हर एक फैंस के लिए टॉप 10 बेहतरीन मैजिकल एडवेंचर मूवीज, जो आपकी हर एक मैजिकल फैंटेसी इमेजिनेशन को फुलफिल करेगी, तो एक भी मिस ना करिएगा, जिसमें बोनस मूवीज भी होंगी। और इसके प्रीवियस पार्ट को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तक सिर्फ बेस्ट ही चुनकर लाया जाता है। और आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 7 की मूवी क्या हो जब हमारी इस दुनिया को बनाने वाला ही मानव जाति का विनाश कर खत्म करना चाहे, तब भाई इस दुनिया को कौन बचाएगा। 2010 की एक्शन फैंटेसी हॉरर के साथ लीगन भाई इंसानों के रूप में डीमंस एक ऐसे बच्चे को मारने आ रहे हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं, जिसके भाग्य में लिखा है पूरे मानव जाति का सर्वनाश होने से बचाना। क्या वो बच्चा इस दुनिया में जन्म ले पाएगा या नहीं? क्या एक ईश्वर का ही दूत ईश्वर के खिलाफ होकर उस बच्चे को बचा पाएगा या नहीं? एक बच्चे को मारने के लिए स्वर्ग के फरिश्ते धरती पे आए हैं। मूवी की नेगेटिव पॉइंट लगी, नो डाउट भाई इसके कॉन्सेप्ट अच्छी है, पर स्टोरी में कुछ खास दम नहीं। ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर मत देखना, वन टाइम मस्ट वॉच रहेगी मूवी। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी, अगर क्लैश ऑफ टाइटन वो मेड्यूसा की कहानी देख रखे होंगे तो ये मूवी उसकी सीक्वल है। 2012 की फैंटेसी एडवेंचर के साथ वॉर्थ ऑफ द टाइटन्स। क्या हो जब लोग गॉड को पूजना ही बंद कर दे, जिसके वजह से एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर जिंदा हो रहे हैं। जहाँ स्वर्ग के एक देवता जीजस अपने बेटे परसियस से मिलने आते हैं, जो कि डेमीगॉड यानी कि आधा इंसान और आधा देवता है। कैसे ये दोनों मिलकर पूरे इस दुनिया को बचाते हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक खतरनाक मॉन्स्टर उनके साथ फाइट सीन देखने को मिलेंगे। और सच में भाई वो मॉन्स्टर और गॉड के बीच उनकी फाइट सीन देखकर आपको मजा आ जाएगा। मूवी हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी यार वैम्पायर हंटिंग पे बेस्ड, ऊपर से स्टोरी में दम हो तो पूछो मत यार, मजा ही आ जाता है। 2012 की एक्शन हॉरर फैंटेसी के साथ अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। सदियों से अमेरिका में खून पीने वाले पिशाच रह रहे हैं। अब्राहम बचपन में उनकी माँ के डेथ के बाद कैसे वो वैम्पायर हंटर बनता है, वैम्पायर हंटर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक की जर्नी, जिसकी सबसे खास बात लगी भाई इसके एक्शन सीन एकदम टॉप नॉच लेवल की। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 5 की मूवी, आसमान से बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर धरती पर आ रहे हैं ताकि मानव जाति से बदला ले सके। 2013 की फैंटेसी एडवेंचर के साथ जैक द जाइंट स्लेयर। एक ऐसी मैजिकल बीन, अगर वो धरती और पानी से मिल गया तो वो पेड़ आसमान से होते हुए मॉन्स्टर की दुनिया से कनेक्ट करती है, जहाँ सिर्फ बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर रहा करते हैं, जिन्हें धरती वासियों से बदला लेना है। ट्विस्ट की बात तो ये है कि उस राज्य की राजकुमारी उस मॉन्स्टर की दुनिया में फंस जाती है। क्या हमारे हीरो उस राजकुमारी और इस धरती को बचा पाएंगे या नहीं, वो कैसे भाई आप मूवी में देखो। आपको धरती और मॉन्स्टर की दुनिया की एक एडवेंचरस सफर पर ले जाएंगी। और सच में यार, जिस तरह से मॉन्स्टर को दिखलाया एकदम अजीब और खतरनाक है, जरूर देखिए। अगर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर टाइप देखना चाहते हैं तो मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी, डायनो और चुड़ैलों पे हो रहे अत्याचार का बदला लिया जाएगा। भाई मूवी चुड़ैलों पे बेस्ड है तो देखने में मजा आएगा। 2011 की फैंटेसी एक्शन एडवेंचर के साथ सीजन ऑफ द विच। भाई सदियों से डायनो के नाम पे लोगों को जलाया और मारा जा रहा है। एक लड़की जो कि लोगों का मानना है कि ये डायनो है, जिसके श्राप की वजह से फैली है ये भयानक महामारी, जिसे रोकने के लिए उस डायन को उस भयानक और कोहरे जंगल से होते हुए सन्यासियों के मठ तक लेकर जाना, जहाँ एक किताब में उस डायन और इस महामारी को रोकने का मंत्र लिखा है, जिसे जो महान योद्धा इस काम को पूरा करने निकले। क्या सच में वो मासूम सी दिखने वाली लड़की भूल जाए या फिर छिपी है इसके पीछे कुछ बड़ा, वो भाई आपको उस कोहरे और भयानक जंगल में पता चल। आप देखना स्टार्ट करिए, एटलीस्ट आपको ये मूवी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसकी सिनेमेटोग्राफी लिटरली इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको जरूर पता है। हिंदी डबिंग के साथ नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी यार खतरनाक। मूवी के स्टार्टिंग में ही भाई एक बूढ़ी वैम्पायर के साथ फाइट सीन है, और यकीन मानो भाई आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भाई इस लेवल की एक्शन सीन शूट कर कैसे लेते हैं, मूवी स्टार्टिंग से ही वो एज ऑफ सीट वाली एक्सपीरियंस कराए। 2 की एक्शन फैंटेसी कॉमेडी के साथ डे सीप। एक 10 साल की बच्ची की फ्यूचर सेट करने के लिए भाई इतनी खतरनाक काम, एक्शन लवर्स के लिए मस्ट वॉच। भाई वो अजीब से बॉडी मोमेंट जहाँ बॉडी टेढ़े मेढ़े हो रही है, वो एक एक हड्डियाँ टूट रही है लेकिन फिर भी लड़ रही है, वो सीन देखकर आपका भी घूस बॉम आ जाएगा, जरूर देखिए। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। नंबर 3 की मूवी, एक ऐसी मास्क, जो भी उस मास्क को पहनेगा वो मौत का फरिश्ता बन जाएगा। अगर वो मास्क गलत हाथों में पड़ी तो वो ताकत और अमरता की घमन में पूरी दुनिया में मौत का तबाही ला सकता है। 2011 की एक्शन एडवेंचर के साथ कैनन द बारबेरियन।
एक ऐसी नकाब जिसे एक महान योद्धा ने दो टुकड़े कर एक टुकड़े को छिपा देता है ताकि फिर से ऐसा तबाही ना हो सके, जिसे ढूंढ कर उस टुकड़े को एक साथ मिलाना है ताकि फिर से पूरे दुनिया में हुकूमत किया जा सके। पर इतना आसान होगा क्या? इधर हमारे हीरो अपने पिताजी का बदला लेने निकला है, पर भाई ट्विस्ट की बात तो ये है कि उस मास्क को पूरा करने के लिए एक सन्यासी लड़की की खून चाहिए। क्या हमारे हीरो अपने पिताजी का बदला ले पाएगा? क्या वो टूटा हुआ नकाब फिर से एक हो पाएगा? एक अकेला इंसान अपने बदले को लिए कैसे, जो मौत का फरिश्ता है, जिसके पास पूरी सेना है, उससे भिड़ जाता है? और खतरनाक बात भाई, उनके पास मैजिकल पावर भी है, खासकर वो धूल से जो निकलते हैं राक्षस। मूवी को एक ट्राई जरूर दीजिए, हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी, अगर आप बचपन से हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के डाई हार्ड फैन रहे हैं तो ये नेटफ्लिक्स मूवी आपको थोड़ी वो फील फिर से करा सकती है। नंबर 2 की फैंटेसी एडवेंचर के साथ द स्कूल फॉर गॉड एंड एविल। दो ऐसी मैजिकल स्कूल जहाँ एक में सिखाई जाती है अच्छाई तो दूसरे में सिखाई जाती है बुराई। कहानी दो बेस्ट फ्रेंड की है, जो भाई एक अच्छी होती है तो दूसरी अच्छी भी और चुड़ैल भी। मजे की बात तो ये है कि जो अच्छी होती है वो बुराई की मैजिकल स्कूल में चली जाती है और जो चुड़ैल होती है वो अच्छाई की स्कूल में। ये दो डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर होने के बावजूद भी क्या वो स्कूल इन दोनों को बदल सकती है या नहीं, वो तो भाई आप मूवी में देखो आगे इनके साथ होता क्या है। क्या वो चुड़ैल अच्छाई की स्कूल में जाने के बाद वो बदल पाएगी या नहीं, जहाँ भाई आपको एक से बढ़कर एक मैजिकल चीजें देखने को मिलेंगी। और मूवी नेटफ्लिक्स की तरफ से है तो ग्राफिक्स आपको जरा सा भी लो फील नहीं होने देगी। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी भाई अटैक ऑफ टाइटन एनिमेटेड सीरीज हम ऑडियंस के इमोशन से जुड़ी है, उसी पे बेस्ड एक मूवी मिल जाए तो उस लेवल की मजा तो आएगा। तो भाई ऐसे ही एक मूवी आप तक ढूंढ कर लाए हैं और ये मूवी सीधा बोनस मूवी की जगह बना। जी हाँ भाई, हम बात करें 2015 से एक्शन फैंटेसी के साथ अटैक ऑन टाइटन पार्ट 2 एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी मास्टरपीस मूवी को नहीं देखे तो आप भी जाकर देखिए, ऐसी मूवी आपकी इमोशंस को हिट करेगी। हिंदी डबिंग के साथ फ्री में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी, अगर आप मैजिकल फैंटेसी ड्रामा के डाई हार्ट फैन है तो आप सीधा इस मूवी को देख डालो, एक कमाल की फैंटेसी एडवेंचर जर्नी को फील कराएगी। 2016 की एक्शन फैंटेसी एडवेंचर के साथ वॉरक्राफ्ट द बिगिनिंग। एक जादू जो कि जिंदगी है, पर इसके लिए चुकानी पड़ती है भारी कीमत। हरे जादू के उस पार से हम इंसानों जैसे बड़े बड़े और अजीब से दिखने वाले और हमारे इस इंसानों की दुनिया में आ रहे हैं, क्यों वो तो भाई आप इस मूवी को देखकर एक्सपीरियंस करिए। और यकीन मानिए, इसके बजट इसके सिनेमेटोग्राफी में दिखती है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट भाई, इसके स्टोरी लाइन आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। हमारी इस दुनिया के राक्षस, उनकी मैजिकल पावर, वो हरा जादू, ये खतरनाक से दिखने वाले, और कुछ भी कहो यार, इंसानियत इन लोगों में भी। अगर आप हाई बजट के साथ कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना चाहते हैं तो बेहिचक इस मूवी को देखना स्टार्ट करें। मूवी हिंदी डबिंग के साथ आप देखने पर, तो भाई ऐसी क्वालिटी के लिए एक सब्सक्राइब आपके तरफ से बनता है, कर दीजिए। और आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी।